मल्लिका तो पड़ी नहीं, पर इस घर में कोई तो पड़ी है। ये आवाज है, विजय तुम बेला, ये सब क्या है? वो कुछ नहीं, रूम में कुछ गुंडों ने मुझ पर अटैक किया, मैं भागती हुई बाहर आई और अपने एक्स मंगेतर की बाहों में आके गिर गई। हाँ, मैं भी तो देखूं अंदर कौन है। पर किससे बच के भागे? अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या? पर वो गुंडे तो यहीं थे अभी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है बेटा। इन्होंने हमें देख लिया है गले लगाते हुए। ये जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में। आइए मेरे घर में, अंधेरी रात में आशिक मेरे हाथ में, देख लीजिए, फर्स्ट नाइट फर्स्ट शो, अपनी आंखों से देख लीजिए। हाय रे, धोखा हो गया। अब आप सब भी देख लीजिए, शौक लगा है मुझे, शौक, और आप सबको भी अभी शौक लगने वाला है। इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया है यहाँ पे। आप सब भी देख लीजिए कि यहाँ हो क्या रहा है। अब कोई सस्पेंस नहीं, अब सारा राज खुल गया, सब कुछ सबके सामने। रायचंद परिवार, नाम, रुतबा, शान, और ये इस घर की शानदार बहू, आइडियल बहू। देख लीजिए इसका असली चेहरा, क्या गुल खिला रही है आधी रात को। मन बहका रे बहका इसका आधी रात को, बेला महकी रे महकी आधी रात को। इस घर, इस परिवार की इज्जत भी गई, सब कुछ गई, अब क्या करेंगे? देखो देखो, बहू बेगम ने क्या गम दिया है। एक हाथ में पति और एक हाथ में आशिक। तमीज से बात करो बहू, पूरा परिवार है यहाँ, बहू की माँ भी है और आपकी आदर्श बहू का एक्स मंगेतर भी है यहाँ। आधी रात को हमारे घर में। समधन जी, क्या बात है? बेला को अब ऐसे क्यों कह रही हैं आप? और ये विजय, विजय यहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी जी, आप ही तो कहती थी ना, हाँ, बेला ऐसी है, बेला वैसी है, बेला सीधी है, बेला भोली है। अरे काहे का भोली है, बंदूक की गोली है ये। ससुराल में आशिकी? क्या झटका लगा? अरे झटका तो इसने शादी वाले दिन ही लगा दी थी। रणव सेन धोखे से शादी कर ली? रानव ने तो कभी इसे अपनाया नहीं, पर आपने इसे घर ले आई, गृह प्रवेश किया। अब देखिए इस घर में क्या रास लीला रचा रही है। यामिनी, साफ साफ बोलो तो सही, हुआ क्या है? हाँ बोलूंगी ना, सबूत भी दूंगी। मैं और रानव, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है, बेला अपने एक्स मंगेतर के बाहों में। प्यार, इश्क, मोहब्बत, हाय क्या बताओ, क्या क्या चल रहा था। Thank you.
रानव, थैंक्स। तुमने आज जो किया, तुमने आज जो किया उसके लिए थैंक यू। जो कुछ भी मैंने किया वो तुम्हारे लिए नहीं किया। तुम दोनों को मैं इस घर में लेकर आया हूं, तो जब तक वो नकाबपोश दुश्मन नहीं मिल जाता, तुम दोनों यहीं सबसे ज्यादा सेफ हो। तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मेहमान है, तो मेरे रहते हुए कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। अब तुम उनकी बेटी हो, उसमें उनकी क्या गलती है? मेरी माँ और मेरे रिश्ते पे कमेंट मत करो। इस धरती पर सिर्फ वही हैं जो मेरी हैं, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो। वो नकाबपोश दुश्मन, वो जो भी है, हम दोनों उसके निशाने पे हैं, और जब तक हमें वो मिल नहीं जाता, हम दोनों को अपनी दुश्मनी भूलनी होगी। हम एक साथ उस दुश्मन को ढूंढेंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगा, और उसके बाद हम एक दूसरे को मार देंगे। जो भी है, मैं अपनी माँ पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। अगर तू उस परी के साथ उसकी मर्जी से संबंध बनाएगा तो अगोर अद्भुत अलौकिक राक्षस बन जाएगा, सबसे महाशक्तिशाली राक्षस। और कितनी चाले चलोगी तुम बेला? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम ये रोने धोने का नाटक करोगी तो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? तुम भूल रही हो कि मुझे पता है कि तुम परी हो, और अच्छे से जानता हूं कि परी कितनी शातिर होती है। तो अपनी माँ का नाम लेके आंसू बहा के एक बेचारी बन के ये सैडिस्ट सी एक्टिंग करके तुम्हें क्या लगता है ये सब देख के मैं तुम्हारे पीछे मंडराना शुरू कर दूंगा? सोचना भी मत। तुम जैसी दोगली धोखेबाज लड़की से पीछे मंडराने से बेहतर है कि मैं वो नकाबपोश दुश्मन को ढूंढने के लिए दुनिया में मंडराऊं और उसे सामने लेकर आऊं। ये परी का आंसू, ये बहुत अनमोल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। मैं इसे ऐसे ही नहीं बहा सकती, पर ये रानव, ये मुझे इतना बेकाबू कर देता है कि एक राजपरी होकर भी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती। उन्हें एक राक्षस पे बहा देती हूँ, एक ऐसे राक्षस पे जो सिर्फ मुझसे नफरत करता है, और मैं मुझे रानव से इतना फर्क क्यों पड़ता है? नहीं, मुझे रानव से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अब कुछ भी हो जाए मैं इतना फर्क नहीं पड़ने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। कायर, भाग गया। जख्मों को भरने के लिए हम राक्षसों को तुम परियों की जरूरत नहीं है, हम अपने जख्म खुद भर सकते हैं। तुम राक्षसों को बहुत वक्त लग जाता अपने जख्म भरने में, तब तक यूं ही तड़पते रहते, जलते रहते, इसलिए मैंने कहो तो फिर से जला दूं। ये मैं क्या करने जा रही थी? हम परियां कभी किसी को जख्म नहीं देती, हम तो जख्म भरती हैं। जो दर्द तुमने दिया है उसके सामने इस जलन का दर्द, इसकी तड़प कुछ भी नहीं है। ये सब उस नकाबपोश ने किया ना, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती, तुम्हारे पास रह के नहीं ढूंढ सकती। अगर तुम्हारे आसपास रही तो कहीं तुम्हारे जैसी राक्षस ना बन जाऊं। इतनी बुरी, इतनी गिरी हुई, आई हेट myself, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। साथ तुम इतनी किस्मत वाली कहा हो? हम राक्षस ना जो भी करते हैं मुंह पे करते हैं, तुम परियों की तरह पीठ पीछे वार नहीं करते, धोखा नहीं देते। यू वेक्स मी, मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे बहुत परेशान करते हो, तो मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करती हो?
जब तुम मेरे पास आती हो। इस नकाबपोश का अश्वथ की मौत के साथ में कोई कनेक्शन है, लेकिन ये है कौन? कौन है कौन ये? अब तक तो ये हम पे सुनसान जगह पे वार कर रहा था, घर के बाहर वार कर रहा था, लेकिन अब तो ये घर पे आ गया। उसका निशाना हम है, कहीं इस चक्कर में हमारे परिवार को कुछ ना कर दे। मुझे इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा। मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। कहाँ जा रही हो? उस नकाबपोश को ढूंढने जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हें साथ आना नहीं है, तुम मुझे रोक रहे हो, उसे तो रोक नहीं पाए। क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ, करना क्या चाहते हो कि मैं यहीं तुम्हारे घर पे बैठी रहूँ, कैद रहूँ और तुम्हारी निगरानी में रहूँ? कैद में तो मैं हूँ, तुम्हारे साथ, और तुमसे छुटकारा चाहता हूँ। तुम ना जानता था, ये ताबीज की जरूरत मुझे इतनी जल्दी पड़ेगी। कहा था मैंने बिला से, बाहर मत जाना, मत जाना। बाहर वो नकाबपोश है, हमारे आसपास है, लेकिन नहीं, उसे तो बाहर जाना था। मुसीबत को न्योता देना तो कोई बिला से सीखे। रोशनी, मुझे बेला तक लेके जाएगी। ये इसमें से रोशनी कैसी आ रही है? तो इस खंडर की तरफ इशारा कर रही है। बेला इस खंडर में। रानव, ये तो बेला की आवाज है। बेला, कहाँ हो तुम? रानव, रानव, मैं यहाँ हूँ। कहाँ? यहाँ इस तरफ, मेरी आवाज सुनो। आवाज तो यहां से आ रही है। हाँ रानव, मैं यहां अंदर। पर यहां तो कोई दरवाजा ही नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें दिखेगा भी नहीं। वो
नकाबपोश ने इसको कोई मायावी शक्ति से बंद किया हुआ है। शक्तियाँ तो मेरे पास में भी हैं। जो एक परी की भी शक्ति से नहीं खुला, मुझसे इसलिए नहीं खुल पाया ये दरवाजा, तुमसे भी नहीं खुलेगा। चलो हम बेकअप हो जाए। कहता ना मैंने घर से बाहर मत निकलना, फिर क्यों निकली? तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, देखो कहां से कहां आ गया मैं। मैंने बोला था तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, चलो अभी यहां से निकल ले। नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी माँ भी यही है, उनके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेला उन्हें मैं ये नकाबपोश ये एक परी की शक्तियों से कैसे लड़ रहा है? ये शक्तियां तो सिर्फ परी के पास होती हैं। रानव, मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे लगता है वह इस घर में सेफ नहीं है। देर है दुरुस्त है, अकल तो आई तुम में। मैं तो पहले ही कह रहा था तुम्हारी माँ की जान खतरे में, पर चिंता मत करो, यहाँ पे सेफ है। जैसे मैं तुम्हारी फैमिली के साथ, स्पेशली तुम्हारी बुआ के साथ। मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी और की तरह चालाक खुद कर्ज और पूरी नहीं है। मुझ तक पहुंचने के लिए उन्हें हर्ट करेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक उन्हें यहां से कहीं दूर भेज दो। क्या बात है, आज तो एक बार में ही मान गए, कमाल ही हो गया। मैं हर उसकी बात मान लेता हूँ जो ढंग से बोले, जो तुम नहीं बोलती। छोड़ो, मुझे आज तुमसे बहस ही नहीं करनी है, बात यहीं खत्म, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। चलो माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप अपना ध्यान रखना। वहाँ मासी को भी आपकी जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, उन्होंने आपको बुलाया है, आप वहाँ उनके पास रहोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। पर बेला, मेरा दिल कह रहा है कि इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, तुमसे दूर नहीं बेटा। अब बेला की चिंता मत कीजिए, उसका ख्याल मैं रखूंगा। सुनो, बस यहां से सीधे गांव जाएगी, तुम बीच में कहीं नहीं रोकोगे। ओके सर। इन्हें सीधे गांव छोड़ोगे और कोई और पैसेंजर को साथ में नहीं लोगे। ओके। गांव पहुंचते ही तो मुझे फोन करना, ठीक है? ओके सर। माँ, आप मुझे हर एक पल ना मैसेज करते रहना, तो मुझे पता रहेगा कि आप ठीक हो, मुझे तसल्ली रहेगी। हाँ बेटा। बेला, मुझे पता है तू मुझे यहाँ से दूर भेज रही है क्योंकि तुझे लगता है यहाँ मुझे खतरा है, पर तुझे नहीं पता वो खतरा तो मैं ही हूं। आइए। कम से कम अब माँ खतरे से दूर है। मेरी माँ और मेरे रिश्ते पे कमेंट मत करो, इस धरती पर सिर्फ वही हैं जो मेरी हैं, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया,
और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो। नहीं, ये परियां ऐसे ही मासूम बन के फंसाती हैं। मुझे कमजोर नहीं होना है, पर अभी शायद हम दोनों का दुश्मन ही की है। पर जैसे ही वो दुश्मन खत्म, हम दोनों का बदला शुरू। सानू! सानू! ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मैंने तो कहा था मत आओ माँ को छोड़ने। मना किया था ना मैं छोड़ दूंगी। हाँ हाँ, तुम तो सुपर स्ट्रांग हो। अकेले ही खतरों से लड़ना, खतरनाक प्लान बनाना, ये सब तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। लगा तुम्हारी माँ प्यारी है, अच्छी है, तुम्हारी जैसी है। क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम राक्षस बहुत महान हो? जरूर नकाबपोष तुम्हारा ही दुश्मन होगा। तुम लोगों के राक्षसी काम दुश्मन कम थोड़ी होंगे तुम्हारे। इसलिए मैंने माँ को यहाँ से दूर ही भेज दिया। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई इन राक्षसों के बीच। अपनी मर्जी से फंसी हो? जी नहीं, ना फंसी हो अपनी मर्जी से और ना ही पहले फंसी थी। मैं तुम लोगों को रोकने आई थी ऐसे अस्त्र मिलने से। बाबा को ऐसे अस्त्र मिलता तो उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते। वो सही थे, अच्छे थे, अच्छे पिता, अच्छी सोच। वो सही थे और तुम गलत। जा रानव, जा पेड़ के पास जा। तू जैसे ही वहां पहुंचेगा मैं रस्सी खींच दूंगी और ये कुल्हाड़ी छोड़ दूंगी। उन्हें अगर 80 अस्त्र मिल जाता तो आज राक्षस सारे सुख शांति से जी रहे होते, ये मारकाट नहीं करते। क्यों, तुम्हें क्या लगा कि तुम धोखा दोगी और मैं मर जाऊंगा? आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। मिल क्या मुझे ये? एक बार और दुश्मन के अंत का शक्तिशाली हथियार। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे ये सब क्यों करवाया, पर मैंने किया। ये लो। तुम्हारे कहने पर मैंने अश्वत्थ को मार दिया। पावर पाने के लिए खून बहाना पड़ता है और कभी कभी अपनों का भी। काम तो बहुत अच्छा किया तुमने, जश्न तो बनता है। अवशासी अस्त्र की ताकत से मैं राक्षस लोक पर राज करूंगा और तुम परी लोक पर। मैं रानी परी को मार दूंगी। नफरत है मुझे उससे। उसे मारकर राजपाट हासिल कर लूंगी। मैं बनूंगी रानी। उसके सिंहासन पर सिर्फ मेरा हक है। (laughs)
हम दो ताकत एक साथ, तो हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। अस्त्र कहाँ गया? कहाँ गया अस्त्र? कहाँ गायब हो गया अस्त्र? कहाँ गया? तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे, तुमने चुराया अस्त्र। सोचना भी मत, मुझे पहले सोचना चाहिए था कि जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा क्या होगा। तुमने अस्त्र चुराया है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। बस कर, बहुत हुआ नाटक। अस्त्र तुमने चुराया है, वापस लौटाओ उसी अस्त्र को। अस्त्र